लखनऊ में आज बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी। पार्टी मुख्यालय में केंद्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और इस बैठक में पार्टी के सीनियर लीडर मौजूद रहेंगे। मायावती आज देश भर से चयनित पार्टी प्रतिनिधियों को भी संबोधित करेंगी और आज की विशेष बैठक में मायावती फिर से बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जाएंगी। आपको बता दें, 5 साल पर बीएसपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में अध्यक्ष का चुनाव होता है। मायावती 18 सितंबर 2003 से लगातार पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनी जा रही हैं। सूत्रों की माने तो नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का भी पार्टी में कद बढ़ सकता है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में आगामी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा होगी। प्रत्याशियों के नामों पर भी मंथन किया जाएगा। पार्टी दूसरे राज्यों के चुनाव में गठबंधन को लेकर भी फैसला कर सकती है। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए राजीव हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं लखनऊ से, हमारे सहयोगी राजीव। कितने बजे ये मीटिंग होनी है? बताया जा रहा है 12 बजे के बाद ये मीटिंग होगी, मायावती को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाएगा और बहुत महत्वपूर्ण इस मीटिंग को बताया जा रहा है कि बीएसपी की ये इंपॉर्टेंट मीटिंग है। देखिए, यकीनन आज बसपा की एक अहम बैठक बुलाई गई है। ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें बसपा सुप्रीमो मायावती को एक बार फिर बसपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना जाना है, जिसके चलते इस बैठक में आप देख सकते हैं कि ये बीएसपी मुख्यालय है जहां पर बीएसपी सभी देश के साथ देश के विभिन्न राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष और अन्य को संबोधित करेंगी और साथ ही साथ इस बैठक में एक प्रस्ताव सामने रखा जाएगा जिसका समर्थन करेंगे और साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश में चाहे वो विधानसभा उपचुनाव हो 10 सीटों पर या फिर और वहां पर अन्य दलों से गठबंधन को लेकर भी फैसला हो सकता है। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ ही साथ बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद का भी पार्टी में कद बढ़ सकता है, उनको भी कोई नई जिम्मेदारी मिल सकती है। तो अब से कुछ देर बाद बसपा सुप्रीमो मायावती इस बैठक को संबोधित करेंगी। ये बैठक शुरू होगी जिसके बाद क्या क्या फैसले लिए जाते हैं उसकी भी ब्रीफ जानकारी बसपा द्वारा दी जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और अगली खबर आपको बताते हैं। नोएडा के सेक्टर 72 में कार पार्किंग को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों में काफी देर तक लाठी डंडे और बैट चले। एक पक्ष के लोगों ने तो दूसरे पक्ष के लोगों की कार ही तोड़ डाली। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है जिसमें कुछ महिलाएं भी मारपीट करती नजर आ रही हैं। झगड़े में दोनों ही पक्षों के कई लोगों को चोटें आई हैं। पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज किया। दोनों तरफ से 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। आगे बढ़ते और अगली खबर। फिर से शहर कटने से दर्जनों गांव जलमग्न हो गए हैं। मंडल आयुक्त रोशन जैकब ने देर रात शारदा सहायक नहर के कटने वाली जगह का जायजा लिया। बचाव और राहत कार्य को जायजा लेने के बाद राहत शिविर में जाकर ग्रामीणों से बातचीत की गई और हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। साथ ही डीएम और दूसरे अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है। अचानक सड़क धंसने से नहर कटी, हजारों बीघा फसल जलमग्न हो गई, 2 दर्जन से ज्यादा गांव पानी से घिरे हुए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को राहत शिविरों और ऊंचाई वाली जगहों पर शिफ्ट किया जा रहा है। हादसा सुद्दुपुर गांव के पश्चिम रोहसन पुल के पास हुआ है। डैम से नहर को बंद कराया गया है। तो 3 तस्वीरें आप देखिए, नहर फट गई, किस तरह से गांव पानी में डूब गए। राहत बचाव कार्य लगातार जारी है और कमिश्नर ने मौके पर पहुंचकर मुआयना भी किया है, जायजा लिया है। तो देख सकते हैं, ये ड्रोन के जरिए लिया गया वीडियो। नहर टूटने की वजह से तबाही मची है। संदीप हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीतापुर से लाइव जुड़ चुके हैं। संदीप, तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है किस तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है पूरा इलाका और पानी ही पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। क्या हालात है इस वक्त वहां पर, प्रशासन क्या कहता है? जी बिल्कुल, देखिए, ये जो नहर शारदा सहाय नहर जो कटी हुई है, इसका समय हो गया 24 घंटे से ऊपर का समय बीत चुका है और यहाँ पर जो है राहत का कार्य जो है जारी हुआ है। आप जो हम देख सकते हैं, तो जो तस्वीरें सामने हैं, ये वही नहर है जो कल जो है दोपहर में 12 बजे के आसपास वो पड़ गई थी। अब इस नहर को जो है बंद करने का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर जो है
के द्वारा यहाँ पे मिट्टी डालते बाद जो है यहाँ पर उन जो रास्ता बन गया था उस रास्ते को बंद करने का कार्य किया जा रहा है। लगातार यहाँ पर जिला प्रशासन और सिंचाई विभाग के अधिकारियों के द्वारा रेस्क्यू कार्य किया जा रहा है और इसमें जिससे कि गांव के अंदर जो है जो पानी घुस गया है उसको बाहर वहाँ पर अंदर जाने को रोका जाए। लेकिन अगर हम बात करें तो गाँव के अंदर जो पानी पहुंच चुका है उसको देखा जाए तो करीब करीब 20,000 से ज्यादा की जो आबादी है वो इससे प्रभावित हो चुकी है और यहाँ पर जो है प्रशासन लगातार अपनी इस पर नजर बनाए हुए है। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी खामी है जो जिसके चलते ये जो नहर फटी हुई है इसमें जो यहाँ अधिकारियों की जो है वो लापरवाही सामने देखने को आई है। क्योंकि अगर हम बात करें नहर फटने की तो वो जो नहर फटी है वो कोई एक नहर नहीं फटी है, कहीं ना कहीं जो इसमें लापरवाही देखने को मिल रही है। क्योंकि नहर जो है आप जो नहर की तस्वीरें देख रहे होंगे उसमें देखा जा रहा है कि जिस तरह से नहर जो है बिल्कुल उसमें जो ईंटे दिख रहे हैं उसपे कार्य किया जा रहा था, वो मरम्मत का कार्य। ठीक है संदीप, आपने लाइव तस्वीरें भी दिखाई और किस तरह के हालात थे ये दिखाया, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बरेली में लूट के आरोपियों से पुलिस का एनकाउंटर हुआ। एनकाउंटर के दौरान बदमाश कृष्ण मौर्य के पैर में गोली लगने से घायल हुआ। एनकाउंटर इज्जत नगर थाना इलाके में हुआ। मौके से पुलिस को एक तमंचा, कारतूस, लूटी गई बाइक और सोने की दो चेन बरामद हुई है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर है, फांसी के फंदे पर लटकते हुए मिले हैं दो लड़कियों के शव। बगीचे में पेड़ से लटकते हुए दोनों शव मिले। हत्या कर शव को लटकाए जाने की आशंका जताई गई है। पुलिस और फॉरेंसिक टीम की जांच शुरू हो गई है। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के भगौतीपुर गाँव की यह घटना बताई गई। दोनों लड़कियां सहेली है और कल रात को जन्माष्टमी पर मंदिर गई थी। आगरा के एएस चाइल्ड हॉस्पिटल में स्टाफ की गुंडागर्दी का मामला सामने आया। अस्पताल स्टाफ पर तीमारदारों से मारपीट का आरोप लगा। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। बुजुर्ग और महिलाओं के साथ मारपीट का आरोप है। मारपीट में दो महिलाएं घायल हुई हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला आगरा के थाना एतमादौला क्षेत्र के एएस चाइल्ड हॉस्पिटल का है। पुलिस ने एनकाउंटर के बाद रेप के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने केस दर्ज होने के कुछ ही घंटे में आरोपी सलमान की गिरफ्तारी की। वो पुलिस की टीम पर फायर कर भागने की कोशिश कर रहा था। थाना महाराजगंज के ही एमी आलापुर रोड पर तारापुर गांव के पास ये एनकाउंटर हुआ। बदमाश सलमान ने 4 साल की मासूम के साथ रेप करने का आरोप लगा है। 26/8/2024 को थाना महाराजगंज के ग्राम कुमिया में एक बच्ची के साथ दुराचार की घटना प्रकाश में आई थी, जिसके संबंध में थाना महाराजगंज में अभियोग पंजीकृत कराया गया था। अभी थोड़ी देर पहले मुखबिर द्वारा सूचना थाना महाराजगंज के एसएचओ अवरजीत की टीम को प्राप्त हुआ था कि अभियुक्त एमी आलापुर के तारापुर मोड़ के पास से इसके भागने की सूचना है। इस सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा जब गिरफ्तारी का प्रयास किया गया तो पुलिस टीम पर जान मारने की नीयत से लक्ष्य करके फायर किया गया। दौरान पुलिस मुठभेड़ अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। कानपुर से बड़ी खबर है, साबरमती ट्रेन हादसे में बड़ा खुलासा हुआ है। एसएजी की प्राथमिक जांच में खुलासा हुआ। सूत्रों के हवाले से खबर, ट्रेन पलटाने की साजिश यहां पर रची गई थी और 90R रेल का टुकड़ा रखा गया था। ट्रैक पर रेल पटरी का टुकड़ा रखा गया था। 26 साल पुराना पटरी का टुकड़ा था। इंजन के कैटल गार्ड से टक्कर हुई थी जिसके बाद हादसा हुआ। पनकी इलाके में ये साजिश रची गई थी। साबरमती एक्सप्रेस को पलटाने के लिए झांसी क्षेत्र में पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में रेल ट्रैक पर 90R रेल का टुकड़ा रखा गया था। इंजन के कैटल गार्ड से टकराने के बाद यह हादसा हुआ है। आगरा में जामा मस्जिद पर आरती करने गए शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी गोपाल जाहर अखिल भारतीय हिंदू महासभा का प्रदेश संयोजक है, हिंदुवादी संगठन से जुड़ा हुआ है और बताया जा रहा है कि गोपाल जाहर जन्माष्टमी पर रात 12 बजे हाथ में दिया लेकर आरती करने जामा मस्जिद पहुंचा था। थाना मंटोला क्षेत्र के जामा मस्जिद की घटना है। आपको बता दें कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे भगवान केशव देव के विग्रह दबे होने का मामला कोर्ट में विचाराधीन है।
मेरठ में नाबालिग से कुकर्म और उसके बाद ब्लैकमेलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप के मुताबिक गांव के ही एक शख्स ने अपनी बातों से बहला फुसलाकर कुछ लोगों के साथ पहले कुकर्म किया, चोरी छिपे वीडियो बना लिया, इसके बाद ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू हो गया। गांव के ही दर्जन भर लड़कों के साथ कुकर्म करके उसने लाखों रुपए वसूले। जब पीड़ित लड़कों ने रुपए देने बंद कर दिए तो फिर उसने वीडियो वायरल कर दिया और खुद गांव से फरार हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। कुकर्म का शिकार युवकों के सुसाइड की आशंका के चलते पुलिस ने केस दर्ज किया। अब आरोपी की तलाश शुरू की गई है। क्या हो, आधार कार्ड उसमें नहीं लग रहा था, किताब तूब मैं कैसे, तो उन्होंने कह दिया था मम्मी मैं एक साथ नहीं डलवा सकता, 1000 का दे दिए 2000, तो मैंने इन्होंने कह दिया तो मैं कि चलो बालक ही तो बाहर रह कर बहुत खर्चा हो गया, बस इतना नु ही नहीं करा कि भाई क्या बात है, अभी की बात जल्दी की। और देख उससे पूछा आपने कितने, अब पूछा जी हमने बाद में कितने पैसे ले चुका आप तक, उसने कहा कि मम्मी मेरे पे से कम भी 20,000 रुपये ले लिए उसने। हाँ वो वीडियो वो उसने बताया है कि मेरी वीडियो बन रही, उसने कहा उसे पता नहीं था कि मतलब ऐसा हो रहा, उसकी वीडियो बना रहा था। एक कुछ वीडियो प्रकाश में आए थे जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा कुछ बच्चों के साथ कुकर्म करने की बात उसमें पाई गई थी। इस जानकारी में आने के बाद इसमें 19 तारीख को एक मुकदमा दर्ज किया गया है और आरोपी की तलाश की गई है। आरोपी अभी फरार है और जो लोग जिनके साथ ये घटना हुई है उन पीड़ित के बयान दर्ज किए गए हैं और उसके NBW प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र ही उसकी गिरफ्तारी की जाएगी।